कक्षा छः से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए बेटा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, जल्दी हो जाएंगे। उन्हें साहब 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, प्यारे साथियों जब 60 अंश कोण कह रहा है, प्रिज्म कोण ए है, प्रिज्म कोण को ए से व्यक्त करते हैं, माने देखो बेटा ए बराबर 60। नीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो ये डेल है। तो यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, और नहीं प्रिज्म कोण 60 अंश, न्यूनतम विचलन कोण डेलम 30 अंश। उन्हें सर जो दिया उसको लिखते रहे हैं, चिल्लाओ नहीं। आपतन कोण का मान बताओ, तो सूत्र डिपेंडेंट सवाल है, आप लोग मान ही नहीं रहे हो। आई बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस डेलम बटा दो, जोर से बोलो 60 धन 30 बटा दो माने 45 हो गया उत्तर। लोटो देखो दूसरे सवाल, एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक रूट दो वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। प्रकाश की किरण न्यूनतम विचलन कोण से प्रिज्म से होकर निकलती है, जिसका अपवर्तनांक रूट दो दिया हुआ है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, आई बराबर 2R, तो अपवर्तक कोण माने ए बताओ। चलो साथियों यहां ध्यान से देखो, आपतन कोण अपवर्तक कोण का नहीं मानोगे, मैंने हमसे बात कर लेगा, तो एन बराबर रूट दो, इसलिए एन बराबर क्या सूत्र होता है, साइन आई बटे साइन आर। नहीं उन्हें ऐसा यहां मत देखो, क्या नहीं आ रहा है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। और विचित्र देखो, साइन आई जगह दो आर बटे साइन आर, पुराने जमाने में, किस जमाने में, साइन टू थीटा सूत्र पढ़े थे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यकीन करो नीचे साइन आर लिखा रहने दिए कर। और साथियों कॉस आर बराबर एन बटा दो, नहीं मानोगे आप लोग हमारी बात को, तो कॉस आर बराबर एन है रूट दो बटा दो, कास आर बराबर एक बटा रूट दो, रूट दो से दो कट गया, कास आर बराबर एक बटा रूट दो, जोर से बोलो किसका मान है, तो आर बराबर आ गया, तुम लोग नहीं मानोगे। आर का सूत्र क्या होता है बताओ, आर बराबर एक बटा दो होता है, यहां क्या लिखा है, जोर से बोलो ए बराबर, प्रिज्म कोण पूछ रहा था, अपवर्तक कोण माने प्रिज्म कोण। उन्हें से आगे देखो, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक रूट दो, माने इसी की बहन है एन बराबर रूट दो, वह प्रिज्म कोण 60 माने ए बराबर 60। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम विचलन को अपवर्तक कोण और निर्गत कोण बताओ। चलो मैं लिखो ध्यान से देखो, क्या क्या दिया है, अपवर्तनांक एन बराबर रूट दो और प्रिज्म कोण दिया है, नहीं मानोगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन को डेलियम पूछ रहा है, अपवर्तक कोण निर्गत कोण यह पूछ रहा है ना, अपवर्तन लिख दो उसको, अपवर्तक नहीं, आर और आई डैश दी जार पूछे डोला, तो कह दो हम आगे चलें, कह दो
तो यहाँ देखो बेटा, ध्यान से समझो, पहले यन वाला सूत्र लगाएगा, यन बराबर साइन आई बटे साइन आर, यही होता हमेशा साइन आई बराबर यन साइन आर। यहाँ देखो बेटा, आर बराबर सूत्र क्या होता है, ए मतलब एक आंसर आ गया, नहीं आर वाला आ गया कि नहीं, कह दो हमसे आर वाला आ गया, और आर वाला आ गया है, ए पता है, अच्छा डेलेम लिखा हुआ, रह जाओ एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बराबर जोर से बोल दो एन साइन आर, एन की जगह आर की जगह रूट दो गुड़े हल करे पे साइन का इस्तेमाल आई इकावा आई, तो आई बराबर आई आर कितना है, काट बाल प्रथम विचरण निर्गत कोण आई डैश, यह हवा कितना है, आई बराबर सूत्र की बताया है ए प्लस तिरछा गुणा कह जाए, ए प्लस डेलेम बराबर टू आई माइनस, क्या दिक्कत है, तेज लगाओ कहीं लग सके, दो गुणे आई मान बोला एक मान बोला पैतालीस दो नब्बे में साठ के सब आई कितना है, इतना तारा जा फिर से अपना दूर दे बात है दुई लिख दिन यन बराबर रूप लो कात बा ए साठ आंसर लिख दिन प्रिज्म कोण साठ अल्पतम विचलन कोण माने डेलेम पूछत बा अपवर्तन कोण माने आर पूछत बा निर्गत कोण माने आई डैश पूछत बा, जैसे जानता आर बराबर का सूत्र होता है ए बटा दो साठ बटा दो ठीक, आखिरी बात एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो तिरछा गुणा कह दे साइन आई बराबर एन साइन आर, तो एन बराबर रूल दो और साइन आर की जगह तीस आंसर, तो साइन तीस एक बटा दो काट पिट के एक बटा रूल दो आई, साइन आई बराबर का सूत्र होता है एक बटा रूल दो साइन पैंतालीस के माना, आई बराबर का आ गया आई डैश पूछत बा आई डैश पर आई बराबर पैंतालीस हो गया, आई बराबर एक प्लस डेलेम बाई टू होता फिर सब गुणा कहते तो ए धन डेलेम बराबर दो आई डेलेम बराबर दो आई माइनस ए मान रहे थे पृथक से आई थी, चलो दिक्कत न सत्र। सवाल नंबर चार, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों ए है, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण, चौथी सवाल है, प्रिज्म कोण ए भी ए है न्यूनतम विचलन कोण ये भी ए है, समझे उन्हें सर, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ, एन बराबर क्या सूत्र होता है, साइन ए प्लस डेलेम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, तो साइन ए डेलेम साइन ए बाई टू, आगे बढ़े ए और ए दो ए बटा दो, दो से दो ए आ गया साइन ए अपान साइन ए बाई टू, मैथ का प्रयोग अभी जो सूत्र लिखे थे क्या होता है, साइन ए बराबर टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, नीचे क्या लिखा है साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू, क्या बच्चा किसका मान है, कोई डाउट, मजा आ गया। पांचवा सवाल इसी बात पे देखो, 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से बने प्रिज्म द्वारा, कांच से बने प्रिज्म द्वारा, तो देखो n बराबर 1.5, कोई कांच का एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है, उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, अल्पतम विचलन को डेल्टा एम ए के बराबर है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, तो प्रिज्म कोण का मान बताओ, जबकि कॉस 41 बराबर 0.75, कॉस 41 बराबर जोर से बोलो किसका मान बताना है,
अच्छा ठीक, एन बराबर सूत्र याद करो पुराने जमाने वाला, साइन ए प्लस डेल एम बटा दो, साइन ए प्लस डेल एम भी ए है, उन्हें सा देख लो यही सवाल हो गई। और आगे बढ़ो, साइन ए और ए दुई एच दुई का दिया, साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई टू, साइन ए बाई टू लिखा रहने दीजिए, ये से ये कट गया, एम की जगह इतना मजा आया। तो कास ए बाई टू बराबर रोहन एक दशमलव पांच बटा दो, रोहन कास ए बाई टू बराबर दशमलव सात पांच, रोहन कास ए बाई टू बराबर कैंस के माना, रोहन ए बाई टू बराबर ए बराबर क्या चाहता है, नोट करो प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हमने आपको प्रिज्म नामक चैप्टर, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ऋषि दुबे जी इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगवाना शुरू किए हैं, कक्षा 9 10 में पढ़े भी हो और शायद 12 13 सवाल बोले थे, 4 5 लगवाए हैं, प्रयास करो बेटा समझ में आएगा, एक भी सवाल ऐसी नहीं रहेगी जो नहीं आएगा। लेकिन उसके पहले सूत्र देख लीजिए वंशिका जी, कल हमने सूत्र यद्यप समझाया था आज फिर बता दे रहे हैं, अगर कभी आपतन कोण का सूत्र पूछे उनैसा तो आई बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस डेल एम बटा दो, जहां सचिन तेंदुलकर ए है प्रिज्म कोण, सवाल में प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहे तो ए, डेल एम का मतलब है अल्पतम विचलन कोण, डेविएशन एंगल, और अगर अपवर्तन कोण पूछे बच्चा, अपवर्तन कोण तो अपवर्तन कोण का सूत्र R बराबर A बाई, इन सूत्रों का दर्शन हम लोगों ने कल किया था, कल समझाए थे। शेखर जी याद ध्यान दीजिए, निर्गत कोण अगर कहे तो निर्गत कोण I डैश होता है जो I के बराबर होता है, माने यही हो जाएगा। और आपको बताए थे कोणीय विचलन अगर पूछे, कोणीय विचलन तो आप जैसा कि जान रहे हैं किन्हीं दो रंगों के लिए निर्गत किरणों के मध्य का कोण, माने डेल्टा बी माइनस डेल्टा या यही ए एन बी माइनस, ऐसे बताए थे वर्ण विक्षेपण की क्षमता, दो तीन सूत्र बताए थे जिन पर सवाल है, वर्ण विक्षेपण की क्षमता ओमेगा से लिखी जाती है और इसका सूत्र है थीटा अपान डेल वाई या एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन, पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जानने के लिए सूत्र बताए थे एन बी प्लस एन आर बटा दो, यहाँ पर बेटा थीटा कोणीय विचलन है, डेल वाई पीले रंग के प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन है, एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन, ये फार्मूला है वर्ण विक्षेपण क्षमता का, पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र एन बी प्लस एन आर बटे दो, एक और सूत्र था अपवर्तनांक प्रिज्म का एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू, ये टेंथ की क्लास में पढ़े भी हो साइन ए बाई टू, और अल्पतम विचलन का ए एन माइनस वन। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इतने सूत्रों से परिचित हैं, ये सारे सूत्र बेटा इस चैप्टर में हमने डिराइव भी कराया है और कल की क्लास में अभी ये सारे सूत्र हमने लिख कर बताया था आपको, और अगर आप लोग कभी एक आध दिन ना आया करो तो स्वाति नक्षत्र की तरह घर पे वीडियो देख लिया करो, जो आप जो है डाले रहते हैं हम चैनल पर तो उसको देख लिया करो, फार्मूले वगैरह की वीडियो अलग से बनाए हैं तो उसमें अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल विकास सरोज तुम्हारे लिए मैंने बेटा इतने सूत्र समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारी वजह से लेट भी हो गई आज क्लास, तो यहाँ इतना समझ में आया बेटा। एक बार सरोज जी फिर से देख लो, सुमित पाल को बता दो, आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई टू, अपवर्तन कोण आर बराबर ए बाई टू,
निर्गत कोण आई डैश का मान आई होता है जो ये दिया हुआ है। कोणीय विचलन थीटा बराबर ए एन बी माइनस एन आर या डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। कोण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई या एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन। सवाल में जो जो दिया रहेगा लिख देंगे, अपने आप लगाएंगे खटाखट आएगा। अपरतनांक एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। अल्पतम विचलन कोण का सूत्र ये है। इन्हीं सूत्रों पर सवालें थी, अब जहाँ तक हो गया उसके आगे सवाल लगवाते हैं। जरा देखिए हाँ मुस्की बता रही, पाँच तक हो गई है, चाटा बताना है। मुस्की बहुत अच्छी बच्ची है, छठा बाल पढ़ रहे हैं। छठा रोडी किसी द्रव से भरे, सभी लोग सवाल पर ध्यान दीजिएगा, दस बारह सवाल कल बोले थे। किसी द्रव से भरे खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। बेटा अल्पतम विचलन कोण कहाँ माने डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा एम। इधर क्लियर शुभम डान, डेल्टा एम दिया हुआ है 30 अंश। और प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर अपवर्तित होती है। प्रकाश के किरण के लिए अपवर्तन कोण 30 अंश दिया है। अपवर्तनांक बताना है, जो जो दिया है राइट करते हैं, उन्हें सा ध्यान देना। कुछ नंबर 6 है, अल्पतम विचलन कोण कितना दिया है बेटा 30 अंश। कायंस के कोण पर अपवर्तित होती है आई डैश 30 अंश है। इधर क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो जरा, सभी लोग गौर फरमाइएगा। आई डैश 30 दिया है, आई डैश का मतलब होता है आई डैश बराबर ए प्लस डेलियम बाई टू, यही होता है। ये वाला बताया है आई डैश और आई बराबर होते हैं, तो 2i बराबर ए प्लस डेलियम, तो ए बराबर 2i माइनस। इट्स ओके। तो अमिता जी आई डैश की जगह 30 और डेलियम की जगह भी 30, 30 × 60 = 30 गए 30। इधर तो ओके। अपवर्तनांक बताना है हमेशा एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। बैलून रख दे बच्चों, नक्षत्र साइन ए की जगह डेल एम की जगह साइन ए बाई टू, ए की जगह भी गौर फरमाइएगा। 30 30 60 के आधा साइन 30 बटे साइन 15, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा तारीख करें, साइन 30 का मतलब होता है 2 sin 15 cos 15। कल सूत्र प्रोवाइड इस तरह से साइन 2 बराबर 2 sin है cos है, ऐसे नीचे क्या है साइन 15 कट गया, ये आंसर आ गया बेटा 2 cos 15। अपवर्तनांक बताना था, आंसर आ गया। अब cos 15 का मान आपको पता नहीं है, चाहो तो त्रिकोणमिति से निकाल सकते हो, cos 45 माइनस 30 करके cos a cos b माइनस sin a sin b निकाल भी सकते हो, ठीक है। कैसे cos 45 माइनस 30 cos a cos b माने cos 45 cos 30 माइनस sin a sin b, तो जानते क्या आ जाएगा 2√3 माइनस 1/√2 यही आ जाएगा। आप लोग इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्लियर, बात समझ में आई, समझ आ रहा है ना कैसे निकालने कह दिए। मैथ वाले निकाल सकते हो cos 45 माइनस 30 करके, cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ, सवाल नंबर 7 पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। एक संभाव प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में, संभाव प्रिज्म मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसके सभी कोण क्या है 60 अंश है, माने प्रिज्म कोण का अंश का दिया है 60 अंश, ध्यान देना। अल्पतम विचलन की स्थिति में है, अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, तो अल्पतम विचलन कोण का मान बताओ। क्या बताओ अल्पतम विचलन कोण मान, एकदम सरल हो गया। देखो जरा, देखो डेल्टा एम बराबर 4/5, ए का मान चुपके से कहो 60 लिखो,
आप लोगों को पांच पहाड़ा जीवन में पता था, पांच ब्रह्मे 12 शब्दों, ये देखो कितना छोटा सवाल था, आंसर आ गया। अल्पतम विचरण कोण 48 आंसर। ओके वंशी, आगे देखो, समबाहु प्रिज्म है, वो बना नहीं रहा है, माने वो जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है उसके सारे कोण 60-60 है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो समबाहु प्रिज्म क्या कहा है, हाँ माने वह प्रिज्म जो समबाहु त्रिभुज के आकार में है, माने उसके हर कोण का अंश क्या है, तो प्रिज्म कोण 60 है, सिंपल। ओके हाँ, अगला क्वेश्चन इसी बहन है, देखो उन्हें सर, समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है, फिर समबाहु प्रिज्म कह दिया, समबाहु प्रिज्म कह दिया कि माने प्रिज्म कोण का अंश का कह दिया, अपवर्तनांक कितना देना है, चिल्लाओ जल्दी से, √3 कह रहा है, यदि अपवर्तनांक √3 है तो क्या बताना है, डेल्टा। इधर क्लियर, तो n वाल दिया है, n का सूत्र लगा दे, n का सूत्र यही होता है ना, चुप्पे से लगा दे, विशेष कोई दिक्कत, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन, आप लोग चाहते हैं कि हम मान रख दे सबका, हिमांशु डालियन की जगह साइन ए की जगह 60 डेल एम बटा दो बटे 60 बटा दो, तो √3 तिरछा गुणा कर दो, ऐसे अंकित तिरछा गुणा 60 बटा दो 30, इधर साइन 60 प्लस डेल एम बटे दो, करेगा कौन से, साइन 30 का मान साइन 60 प्लस डेल एम बटा दो, देखो उधर साइन है, इधर भी साइन लाए, स्वाति नक्षत्र, ये क्या लिखा, √3 बटा दो, √3 बटा दो साइन 60 है, तो √3 बटा दो को हम साइन 60 लिख सकते हैं, और इधर साइन 60 प्लस डेल एम बटा दो है, साइन साइन हट गया, तो अब ये क्या आ गया, 60 बराबर 60 प्लस, यकीन है आप लोगों को, हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा 60 प्लस डेल एम बराबर 60 को भी 120, तो डेल एम बराबर 120 माइनस 60 घटाने पर 60, ठीक है फोटो, तो ये अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया बेटा, कोई डाउट किसी को, आगे पढ़ें, थोड़ा तेज लगा रहे, जल्दी चैप्टर खत्म और नया चैप्टर पढ़ाएं। हाँ अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा मन में, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा, तो 1.5 अपवर्तनांक कह रहा है, तो मुस्की जी n बराबर चुप्पीस कितना लिख दे, 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म द्वारा, ऋषि तो भी ध्यान देना बेटा, कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, कह रहा है कि जो अल्पतम विचलन कोण है वो प्रिज्म कोण के बराबर है, प्रिज्म कोण बताइए, यही सवाल है, इस तरह के एक सवाल हम लगवा भी चुके हैं, तो देखो यह दिया रहा है जब विशेष यादव, तो सूत्र क्या लगाते हैं, मलिच्छपन फहराते हुए बोर्ड पर देखो, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू, मजा आया, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम को भी क्या लिख दे, ऐसा तुम तो पहले जानकार थी, एन बराबर ए और ए दो कट गया, कितना बचा साइन ए अपान साइन ए वाई, साइन ए का सूत्र लगा दो क्या होता है, टू साइन ए वाई टू अपान साइन ए वाई टू, बेज्जती पसंद है, ये इस तरह से कट गया, एन की जगह क्या लिख दे, और यहाँ दो कास ए वाई टू, दो से इसको भाग दे, 0.75 बराबर कास ए बाई टू, कल अभी कहीं हम बताए थे आपको कास 41 अंश का मान बताए थे, क्या क्या था, हाँ कास 41 का मान था, याद नहीं है,
तो ये काश 41 का नाम था, कल भवकाल हमने दिया था काश ए बाई टू, काश काश कट गया, 41 बराबर ए बाई टू, जोर से बोलो ए बराबर। तो सवाल समझ में आई, अच्छी आर्थिक सवाल थी। अब आप लोग बेटा क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता 0.0154 है, विक्षेपण क्षमता माने ओमेगा दिया है। यदि क्राउन कांच प्रिज्म 0.0616 का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है तो औसत विचलन कोण बताओ, यही दिया है ना बेटा। देखो क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता 0.0154, आवाज नहीं 0.0154, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्राउन कांच प्रिज्म 0.0116 का कोणीय विक्षेपण माने थीटा दिया है, एक नहीं है लिखे हैं। तो 0.0616 कोणीय विक्षेपण है, औसत विचलन कोण डेल्टा बताकर है, इधर क्लियर। ओमेगा का सूत्र बताया है थीटा अपान डेल्टा वाई, औसत विचलन कोण माने यहाँ डेल्टा से है, इसी का प्रयोग कर दो तो डेल्टा बराबर डेल्टा यहाँ ओमेगा यहाँ थीटा अपान ओमेगा, थीटा कितना बेटा और ओमेगा कितना है, आप लोग बेइज्जती पसंद काम करिए, 0.0 हटा दीजिए, नीचे 4 अंक है ऊपर 3 माने ऊपर 1 जीरो बढ़ गया, ठीक है 4 से भाग दे दो, 4 × 16 15 × 60 61 40 बार आएगा, कई बार जाएगा, इधर क्लियर 154 × 6 = 16। क्वेश्चन नंबर 11, मास्टर है गणित के यार। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है, उन्हें से तुम्हारी सवाल आ गई, प्रिज्म कोण 4 अंश है, ए बराबर कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा इसके पदार्थ का अपना 1.5 है, एम बराबर 1.5, अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन कोण, तो अभी अभी उन्हें ऐसा एक सूत्र बताई थी हमको डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस 1, ओके। तो दीपक के पटेल कोई दिक्कत, 4 × 5 में घटा दो, 4 × 5 = 2 अंश उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, देखो वायु में स्थित, बहुत बढ़िया सवाल है, खूबसूरत है, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन कोण बनाता है, कई अंश का विचलन कोण बनाता है, डेल्टा इन एयर 4 अंश है, डेल्टा इन एयर का अंश है, यदि इसको जल में डुबो दें तो विचलन कोण बताओ, डेल्टा डब्लू बताता है, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि एक अंश आएगा लेकिन कैसे दिखाता हूं, याद ध्यान दीजिए विचलन कोण इन एयर माने ए एन माइनस 1, तो ए एन जी माइनस 1 लिखा जाएगी ना, लिखा जाएगा ए जी वायु के सापेक्ष कांच का, और अगर स्वाति नक्षत्र इस प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए किसमें, तो जल में विचलन को डेल्टा डब्लू ए, अब यहां पूर्णांक डब्लू एन जी, समीकरण दो कहो तो दोनों भाग दे दे, दे दे भाग, तो अभी तक देखो समीकरण 1 को 2 से भाग दे तो एयर बटे डब्लू ए से एक कट गया, ए एन जी माइनस 1 डब्लू एन जी माइनस 1, आगे देखें आप सभी जानकार हैं
एएमजी माने वायु के सापेक्ष कांच का पुतना कितना होता है? हालांकि दिगा भी हम बोले नहीं थे, माइनस वन। डब्ल्यूएमजी का सूत्र देखो शिवांशु, बाद वाला पुतना पहले पीछे ब्याह पे पढ़ाए है ना, डब्ल्यूएमजी बराबर एएमजी बटा याद आया। और आगे देखो, तीन बटा दो में एक गए, एएमजी माने ए एन डब्ल्यू माने चार बटा तीन होता है, तो एक बटा दो, ये तीन ऊपर गया दो नीचे, तीन तरीका। अनुज देख रहे हो, आगे बढ़े। एक बटा दो नौ बटा के घटा आठ इक्का मार, दो चौका आठ, चार ऊपर चला गया नीचे सर ऊपर, तो डेल्टा ए बटा डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? फिर चार गुणा डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा ए बटा चार, डेल्टा ए का मान दिया हुआ है चार अंश, चार को चार से भाग दो। माने अगर हम किसी प्रिज्म को जल में डुबो दें तो अल्पतम विचलन कोण एक चौथाई रह जाता है, चार अंश के विचलन कोण की वैल्यू एक। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पदार्थ के बैंगनी व लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.54 व 1.51 है, इस पदार्थ के लिए प्रिज्म का प्रिज्म कोण 500 अंश हो तो कोणीय प्रक्षेपण बताओ। देखो जरा जो जो दिया है लिख दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, शिवांशु तुमसे पूछेंगे बैगनी व लाल प्रकाश के लिए कौन कौन प्रकाश बेटा? बैगनी व अपवर्तनांक, बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक एनबी और लाल प्रकाश का अपवर्तनांक एनआर कितना दिया है? ऐसे दिया है, फिर कह रहा है प्रिज्म कोण 5 अंश हो, सुष्मी प्रिज्म कोण ए बराबर होता है 5 अंश, कह रहा है कोणीय प्रक्षेपण थीटा बताओ। देखो देखो थीटा का सूत्र ए एन बी माइनस एन आर, सारी सवाले सूत्र डिपेंडेड है, ये जितनी बोले हैं ध्यान दीजिएगा, एक की जगह 5, 1.54 1.51 5 अंश गुणे, इसमें जिसको घटा दो पांती आई, क्या आंसर आ गया? कितना इजी सवाल है, कटोलो ध्यान दो। 14वां पढ़ रहे हैं, देखो जरा मंदीप, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी व लाल प्रकाश हेतु अपवर्तनांक 1.632 व 1.613 है, इस सवाल को इंपॉर्टेंट लिख लेना। देखो जरा बैगनी ए बच्चों प्रकाश का अपवर्तनांक लाल प्रकाश का अपवर्तनांक ऐसे दिया है, हमसे कह रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता बताओ। भाई हिमांशु गुप्ता ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा सूत्र क्या होता है जानते हो? एनबी माइनस एनआर अपान उनेसा, ये सवाल इंपॉर्टेंट बोले हैं, बोर्ड में कई बार आई है, एनबी जगह हाँ सुष्मी या नवाई नहीं पता है, सुष्मी अनुवाई कैसे आएगा? हाँ हमने आपको बताया था कि अनुवाई जो है बैगनी और लाल प्रकाश का मध्यवर्ती किरण है, तो अनुवाई बराबर एनबी प्लस एनआर बटा दो, खटोला याद है ना कुछ, एनबी मान एनआर का मान लगे 1.632 1.613 मजा जोड़ दो तीन दो तीन एक चार सोलह सोलह भाग दे दो भाग दे रहे थे तो हम कह लो मंदिर देखिए इसको घटा दो 13 और 23 दशमलव हटा दो
190 बटा भाग दे देना दशमलव एक करके कुछ आएगा, ठीक है, भाग दे लोगे, लगाओ। कांच के लिए बैगनी व लाल प्रकाशों के लिए अपवर्तनांक 1.632 और 1.610 है, कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता बताओ। प्यारे साथियों, इस तरह क्वेश्चन पर 14 कल लगाए थे, तो यहाँ पर देखो जरा जो दिया है राइट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फ्लिंट कांच के लिए, कांच की एक प्रकृति है फ्लिंट, जैसे क्राउन कांच फ्लिंट कांच के लिए बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांक दिए हैं। स्क्वायर देखो, बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक माने NB, लाल प्रकाश का अपवर्तनांक मतलब NR। तो यहाँ बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक 1.632, लाल प्रकाश का अपवर्तनांक 1.610 हमसे कह रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता बताओ। वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछ रहा है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र होता है ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। इसी तरह से एक सवाल कल लगवाए थे और बताए थे इम्पॉर्टेंट है, और आपको बताए थे कि अगर कभी NV और NR दिया रहे तो मध्यवर्ती किरण पीले रंग का अपवर्तनांक मतलब दोनों का औसत अपवर्तनांक, ऐसा अपवर्तनांक NY बराबर NV प्लस NR बटा 2, ये फार्मूला होता है। तो स्क्वायर से देखिए जरा, NV 1.632, NR 1.610 जोड़ के 2 से भाग देते, ठीक है स्क्वायर, तो 16 16 32 32 10 42, 2 से भाग देंगे जब तो 32 का आधा 16, 42 का आधा 21, ऐसे नक्षत्र NV NR और NY का मान रख दे, मान रख दे अपने आप आंसर आएगा। देखो जरा, NV की जगह 1.632, NR की जगह 1.610, NY की जगह 1.621 माइनस 1। हल करते हैं, इसमें से इसको घटा दे, 16 में 16 गए 0, 32 में 10 गए 22, 1 में से 1 गए 0, 3 तीन अंक में दशमलव है तो 22/621, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2200, 6 3 18, 22/18 गए 4, 6 3 42, ऐसे कुछ आ जाएगा। जीरो दशमलव हाँ लगभग में 3-4 आ जाएगा वो, तो ये इज दैट क्लियर। उसके आगे भी अंक है ना, तो जब लिख दे लो कल लिख दे दो। अगर अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो, एक प्रिज्म, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान सुनो इस पर, जिसका अपवर्तन कोण 60 अंश है। मध्यवर्तिका जी, अपवर्तन कोण बोले तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण A से लिखा जाता है, 60 दिया हुआ है। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तन कोण 60 अंश है, सभी बच्चों ध्यान से समझो, जिसे आप भी लगा सको ना, पढ़ा इसलिए रहे कि आप भी लगा सको। आज ये लेसन क्लोज हो जाएगा, कल से नया लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है ना सुषमा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म जिसका अपवर्तन कोण 60 अंश है, नीला लाल व पीला प्रकाश हेतु अल्पतम विचलन कोण, देखो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा लिखा जाता है, नीला लाल पीला इनके लिए अल्पतम विचलन कोण दिया है। शिवांशु डान देखो जरा क्या क्या दिया है, 53 51 52, 53 51 52 विचलन कोण दिया है। आगे देखो, परिक्षेपण क्षमता बतानी है, ओमेगा बताना है, तो यहां देखो जरा, ओमेगा का सूत्र होता है थीटा अपान डेल वाई, यह भी होता है जब अपवर्तनांक दिया रहे तो ये वाला सूत्र, अपवर्तनांक न दिया रहे तो परिभाषा, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा बताए हैं
कि बैगनी व लाल रंग के प्रकाश के निर्गत किरणों के लिए कोणीय विचलन और पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमति कहलाती है। तो वही सूत्र लगा रहे हैं। तो अब अगली लाइन से डेल्टा वाई थीटा दो निर्गत प्रकाश के किरण का कोणीय विचलन। तो यहाँ कौन कौन निर्गत प्रकाश है? लाल नीला प्रकाश है और लाल है, तो डेल बी माइनस डेल आर। कोणीय विचलन तो अल्पतम विचलन का अंतर होता है। अब सबका मान रख दो इज्जत के साथ। डेल बी देखो कितना है, डेल आर, डेल वाई 53/51, 2/52 माने 1/26 भाग दो 10 लगाओ 10 0 बढ़ाओ 100 26 चौका 104 26 3 78 178 गए 22 20 20 26 6 16 कुलकुलेशन ना लॉन्ग जंप रहा चाहिए हमेशा कुलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं, मुस्लिम गण 17 पढ़ रहे हैं। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी पीला व लाल रंगों के अपवर्तनांक, देखो अब अपवर्तनांक दिया है माने इस तरह की सवाल हो जाएगी। बैगनी पीला व लाल रंगों के अपवर्तनांक, सभी बच्चे ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 17, बैगनी पीला और लाल सभी का अपवर्तनांक दिया है। Yes, सवाल मोस्टली एग्जाम में 2 की आती है, इससे ऐसे ही आती है, सबको दिया रहता है, बस सूत्र डिपेंडेंट मान निकालना रहता है। तो ध्यान दो सुष्मी, बैगनी पीला लाल 632 620 613 देखो दिया है 1.6032 1.620 1.613 ऐसे दिया है। इट्स ओके, कह रहा है कि जो है किसी प्रिज्म हेतु बैगनी पीला और लाल प्रकाशों के अपवर्तनांक 1.632 1.620 और 1.613 है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता बताओ। ये पूछ रहा है ना? Yes, सवाल याद हो जाए चाहे सवाल तो ओमेगा बराबर टी क्या होता है या नहीं 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 जानते हो सुषमा, सवाल ज्यादा क्यों लगवाते हैं? जैसे सूत्र याद हो जाए आपको, कई सा जितनी सवाल लगा उतने सूत्र कंटस्ट होगा। अगर डोली कोई सूत्र याद ना हो रहा हो उस सूत्र से रिलेटेड 5-6 सवाल लगा लो याद हो जाता है, सही है ना? Yes, इंस्पायर कर माने दे देखो यानवी 1.613 इसको बताओ 16 गए 32 13 गए घटावत जहां तेरे शुद्ध हो गए 10 हटा दे 19/620 भाग बहुत तेज है 19 का 10.190 जीरो बढ़ाओ 1900 620 दिया 1860 1900 में 1860 गए 40 ठीक है 400 न जाए जीरो बढ़ गया 4000 और 620 हटके 4920 तो 60 बार लग जाता है 10.03 ओके ओके विजर्स एक पतले प्रिज्म के जब एक पतले प्रिज्म ध्यान सुनिएगा बात नहीं पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैगनी रंगों के अपवर्तनांक लाल प्रकाश का अपवर्तनांक और बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक 1.61 व 1.65 है। पदार्थ की प्रक्षेपण क्षमता 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग का विचलन कोण 5 है। बताओ तो देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, सूत्र डिपेंडेंट है, जो जो दिया है उसको लिख दें अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा,
करा है लाल और बैंगनी के अपर्तनांक माने एनबी और एनआर, लाल माने एनआर, बैंगनी माने एनबी, जैसे क्वेश्चन के क्रम में बोलता रहे उसी क्रम में लिखा भी करो सचिन। तो लाल व बैंगनी रंगों का अपर्तनांक 1.61 और 1.65, उल्टा लिख दोगे गलत हो जाएगा। और क्या दिया सुने सर, वर्ण विक्षेपण क्षमता 0.08, ओमेगा दिया है 0.08, पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण दिया है क्या, पीले प्रकाश का विचलन कोण माने 5 अंश। हमसे कह रहा है प्रिज्म का कोण बताओ, तो सब कुछ तो दे दिया है, शोध डिपेंडेंट सवाल है, शोध पे मान रखो आंसर। शिवम के गुप्ता, ओमेगा बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, थीटा अपान, यही होता शिवम गुप्ता। अगर हम परीक्षा पूरा कर देता, थीटा बराबर ओमेगा इनटू, नहीं मानोगे, थीटा का मान क्या होता है, ए एन बी माइनस ओमेगा इनटू डेल वाई। अपने को ए चाहिए, क्या चाहिए बेटा, तो ए बराबर ओमेगा डेल वाई अपान एन बी माइनस एन आर, मान रख दे सबका, मान रख दे ठीक। तो देखो बेटा आदर्श, ए बराबर सबका मान पता है प्रभाकर के भाई रोहन, मान रख दे ओमेगा 0.08 इंटू डेल वाई 5 अपान एन बी एन आर 1.65 1.61 5 12 5 40 165 161 घटा दो ऐसे आता है 0.4 माने प्रिज्म कोण कितना आंसर है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 45 अंश के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है, प्रिज्म कोण 60 अंश हो तो अल्पतम विचलन बताओ। देखो आपतन कोण 45 अंश दिया है, आपतन कोण कितना अंश दिया है, प्रिज्म कोण कितना दिया है 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण बताना कितना सरल है, हाउ मेनी सरल, आई बराबर क्या होता है, तिरछा गुणा कर दो, ए प्लस डेल एम बराबर 2 आई, नहीं मचा है तो डेल एम बराबर 2 आई माइनस ए, 2 × i 45, एक मान धर दो 45 × 90 60 गए, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलो स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है, ए बराबर 7, अनिरुद्ध के मौर्य जब प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन, यूसिक बहन है, यूसिक बहन है, यूसिक बहन है, डेल्टा बताओ, यही दोनों लगा देना, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह वही पूरा है, वह सवाल ये है, डबल बार बोल उठी, देख लो भी बच्चे ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश की एक किरण समबाहु प्रिज्म यान बराबर 1.5 से इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो, आई बराबर आई डैश दिया है, मतलब अल्पतम विचलन की स्थिति है, जब आई और आई डैश बराबर होते हैं तो अल्पतम विचलन की स्थिति होती है, और उसका निर्गत कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 21, संभाव प्रिज्म है मतलब उसका अपवर्तक कोण का आंसर है 60, और शर्त दिया है निर्गत कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, यही कह रहा है ना,
आई और आई डैश दोनों बराबर हैं और 3/4 ए है। आपतन कोण निर्गत कोण बराबर है और जो है किसका 3/4 है। हाँ चलिए देखिए उन्हें सर 3/4 एक ही जगह 60, 4 से भाग दे 15 से 45 और आई की जगह लिखी थी ए प्लस डेलियम 2। आई यही होता है तिरछा गुणा कर दो ए प्लस डेलियम बराबर 45 दूने डेलियम बराबर 90 माइनस 60 30। अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया बेटा 30। अगला सवाल है कि सिद्ध करो किसी प्रिज्म को जल में डुबोने पर उसका अल्पतम विचलन कोण चौथाई रह जाता है। तो पहले यहां देखो जरा, कल अभी इस तरह के सवाल एक लगी थी और आपने बताया था कैसे पूछता है, वायु में विचलन कोण का सूत्र क्या होगा। सभी लोग सोच के बताओ, वायु में विचलन कोण डेल्टा फॉर एयर है ना, सूत्र बताया है ए एन माइनस वन, तो वायु के सापेक्ष कांच का वर्तमान माइनस वन, इतना होगा कि नहीं कह दो। हाँ सर आगे बढ़ो। हिमांशु डाल जल में डेल्टा डब्लू ए फायदे के लिए जल में आएंगे डब्लू एन जी दोनों भाग दे दे। कल ऐसे कराए थे कि नहीं, एक सवाल डेल्टा ए अपान डेल्टा डब्लू ए से ए कट गया। सुमित के पाल कोई दिक्कत आगे बढ़ो। ए एन जी दिया हुआ है 3/2 डब्ल्यू एन जी का मतलब ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू 3/2 में से एक गए ए एन जी माने 3/2 डब्ल्यू माने मजा आ रही 1/2 ये नीचे घर ऊपर कहते हैं तिरकी ना और ऊपर घर नीचे दो चौकी आज तो यहां डेल्टा फार एयर अपान डेल्टा फार डब्ल्यू बराबर 1/2 1/4 सिद्ध हो गया कि वायु में विचलन कोण चौथाई रह जाएगा। सिद्ध हो गया कि नहीं, नोट करो। प्रश्न नंबर 23 बेहद बढ़िया सवाल, ध्यान सुनिएगा। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 अंश व अपवर्तनांक √2 है। तो प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक कितना है और अपवर्तक कोण क्या अंश है। अगर कहो तो प्रिज्म की फोटो बना के दिखा दे आपको। देखो ये एक प्रिज्म है, दिखा के नहीं सबको, ए बी सी इसका अपवर्तक एक ये है दूसरा ये और ये प्रिज्म कोण है 30 अंश, ऐसा उन्हें ऐसा दिया हुआ सवाल में। एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ए सी प्रिज्म कोण 30 अंश। सवाल देखो, इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलाई की गई है। अब एक अपवर्तक पृष्ठ पर कलाई कर दिया तो ये कौन सा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ, कलाई हो गई, दर्पण बना दिया। और आगे देखो ने साहब, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण किस कोण पर गिरे कि प्रिज्म से अपवर्तन और कलाई वाले पृष्ठ से परावर्तन के बाद किरण अपने ही मार्ग से लौट आए। तो देखो यहां कोई एक किरण आपतित हो और ये कौन हो, अभिलंब यमयन, लेकिन आपसे बताना है कि यह कोण बताइए। ध्यान से देखो, एक पृष्ठ इसका क्या है, कलाई किया हुआ है, किस कोण पर कोई किरण आपतित हो कि अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण मिले, ऐसे ऐसा तो मिलेगी अपवर्तित किरण उन्हें था, ऐसे मिलेगी, जाना ऐसे चाहिए था।
तो जो अपवर्तन के पश्चात किरण मिले वो इस परावर्तक पृष्ठ पर, जैसे ये ओपी है, इस पर टकराएगी कि नहीं? इस पृष्ठ से क्या होगा? परावर्तन कह रहा है उसी मार्ग से लौट आ जाए, तो माने ऐसे लौट आए। कहने का मतलब PQ जो है आपतित भी रहे और QP परावर्तित भी रहे, तो इसका मतलब इस किरण के लिए यहाँ आपतन कोण पक्का हो गया क्या अंश का 90। जब किरण ऐसे आपतित तो लौट आई माने अभिलंबवत गई, माने यहाँ पर कोण का इतना अंश हो गया। और बच्चों जब ये 90 है और ये 30 है तो ये कोण कितना हो गया? 60 हो गया। कैसे मालूम? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 90-30 है, ये क्या हो गया? तो अब ये कोण कितना हो जाएगा? चूंकि ये अभिलंब है, पूरा 90 होता है, उधर 60 है, तो इधर बचा। माने अस्पष्ट हो गया क्या ऐसा कि आर जो है 30 है। आर कितना है? पक्का? पीएन बराबर सूत्र क्या होता है? साइन आई अपान तिरछा गुणा कर दो, साइन आई बराबर एन इंटू साइन आर होगा कि नहीं? ध्यान से देखो, एन की जगह आर की जगह साइन 30 का मान भाग देने पर क्या अंश का मान है साइन में? तो आई बराबर इट्स ओके। तो आप लोग इसे नोट